आई एम विश्व दीपक। आज हम बात करेंगे मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो की, मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो की कि मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो क्या होता है। देखिएगा, जो मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो है उसको हम आर एम से डिफाइन करते हैं। अगर आपका जो मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो, अगर हमें उसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ ट्रेज है हमारे लिए इनफाइनाइटली रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है, जो आपका डिजायर्ड सेपरेशन है एक्स टी और एक्स डब्ल्यू के दिए हुए, ठीक है। और क्या होता है, जो मिनिमम वेपर फ्लो रेट होता है टावर में, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो वेपर का फ्लो रेट होगा वो मिनिमम होगा, इसलिए जो रिबॉयलर का और जो कंडेंसर का साइज है वो क्या होगा, आपका मिनिमाइज हो जाता है। यानी मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो के केस में क्या होता है, जो रिबॉयलर और कंडेंसर का साइज है वो मिनिमम हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे आपका रिफ्लक्स रेशियो कम होता है, जो स्लोप है आपका रेक्टिफाइंग सेक्शन या एनरिचिंग सेक्शन का, वो डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। और स्ट्रिपिंग लाइन का जो स्ट्रिपिंग लाइन और जो रेक्टिफिकेशन लाइन है वो क्या करती है, दोनों ही आपकी जो इक्विलिब्रियम लाइन है उनके क्लोजर होती रहती है, ठीक है। तो क्या होता है, यदि हमारा जो मिनिमम, इसमें क्या होता है, जब आपकी दो ऑपरेटिंग लाइन रेक्टिफिकेशन सेक्शन की और आपकी स्ट्रिपिंग सेक्शन की, जैसे ही वो आपकी इक्विलिब्रियम लाइन को टच करती हैं, हमें एक पिंच पॉइंट प्राप्त होता है। उस पिंच पॉइंट के प्राप्त होने के बाद हमें जो ट्रेस की रिक्वायरमेंट है वो इनफाइनाइटली हो जाती है, ठीक है। तो मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो में हमारे लिए क्या क्या है वो चीज़ हम देखते हैं। जो मिनिमम आपका रिफ्लक्स रेशियो है, मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो कैन बी डिफाइंड, एज द रिफ्लक्स रेशियो, आर एम दैट विल रिक्वायर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रेस फॉर द सेपरेशन डिजायर्ड ऑफ एक्स टी एंड एक्स डब्ल्यू, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका जो वेपर का फ्लो है वो मिनिमम हो जाता है टावर में, वेपर का फ्लो रेट है क्या है आपका, मिनिमम हो जाता है, इसलिए हमें रिबॉयलर और कंडेंसर का साइज भी मिनिमम हो जाता है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, दिस करस्पॉन्ड्स टू द मिनिमम वेपर फ्लो, इन द टावर। टावर में क्या होगा, आपका मिनिमम वेपर फ्लो हो जाएगा, इसके कारण क्या है, एंड हैंस साइज ऑफ रिबॉयलर एंड कंडेंसर मिनिमाइज, यानी कोई आपसे पूछे कि भाई किस केस में कंडेंसर और रिबॉयलर का साइज मिनिमाइज हो जाता है, तो मिनिमम रिफ्लेक्स केस में, क्योंकि उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रेस की आवश्यकता पड़ती है, वेपर फ्लो रेट आपका मिनिमम हो जाता है टावर में, ठीक है। यदि आपका जैसे जैसे आर डिक्रीज होता है, तो जो स्लोप है आपका, क्या है स्लोप, क्या है आर ऊपर आर ओवर आर प्लस वन, किसका स्लोप है, ये रेक्टिफाइंग सेक्शन का, ठीक है, ये भी क्या है आपका डिक्रीज हो जा रहा है, डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। और जो स्ट्रिपिंग लाइन और क्यू लाइन है क्या है, इसके साथ आपकी मूव करने लगती है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही आपकी क्या है, जैसे ही आपकी दोनों जो ऑपरेटिंग लाइन है, जैसे ही दोनों ऑपरेटिंग लाइन टचेस इक्विलिब्रियम कर्व, जैसे ही दोनों लाइन इक्विलिब्रियम कर्व को टच करेंगी, हमें एक पिंच पॉइंट प्राप्त होगा। यानी मिनिमम रिफ्लक्स की रेशियो की जो थ्योरी है वो पिंच पॉइंट थ्योरी भी उसको हम बोलते हैं। टू ऑपरेटिंग लाइन टच इक्विलिब्रियम पिंच पॉइंट अकर,
पिंच पॉइंट एक अकड़ होगा, ठीक है। और उस केस में जो नंबर ऑफ ट्रेस की जो रिक्वायरमेंट है वो इनफाइनाइट हो जाती है। जिस किस तरीके से देखिएगा, यह आपका डायग्राम रहा, ठीक, 45 डायगोनल लाइन, इक्विलिब्रियम, फीड, बॉटम प्रोडक्ट, डिस्टिलेट, ठीक है। हमने बताया था कि यदि जैसे ही मान लीजिए, ठीक है, ये आपका जैसे ही आपका क्या है, दो ऑपरेटिंग लाइन, दोनों ऑपरेटिंग लाइन ने क्या किया, आपका इक्विलिब्रियम कर्व को टच कर लिया, ठीक है, इसको टच कर लिया, तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका, एक जैसे इसको टच किया ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, पिंच पॉइंट, ठीक है। और जैसे पिंच पॉइंट प्राप्त हुआ, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जो लिक्विड में कंपोजिशन है एक्स डैश और वेपर में कंपोजिशन वाई डैश है, ठीक, ये वाई के लिए है, ये एक्स के लिए, सही है। तो इस केस में क्या होगा, तो पिंच पॉइंट प्राप्त कर लिया तो जो ट्रेज आपकी क्या होंगी, इनफाइनाइटली होंगी, ठीक है, आपकी जो ट्रेज है वो इनफाइनाइटली हो जाएंगे। इस केस में आपका जो स्लोप है, ठीक है, उसको कैसे निकालेंगे, मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो से स्लोप निकालते हैं हम, द स्लोप ऑफ ऑपरेटिंग लाइन फॉर एनरिचिंग, ठीक है, कैसे निकालेंगे, आर एम ओवर आर एम मिनिमम प्लस वन इज इक्वल टू एक्स टी माइनस वाई डैश अपॉन एक्स टी माइनस एक्स डैश। इससे आप क्या करेंगे, मिनिमम स्लोप है, मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो का जो स्लोप है आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो में हमें पिंच पॉइंट प्राप्त होता है, जैसे जैसे रिफ्लेक्स रेशियो डिक्रीज होगा आपका स्लोप ऑफ जो रेक्टिफाइंग सेक्शन का स्लोप है वो भी डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू क्लास।